गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं लेसन 10, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। देखिए, रीड कीजिए। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क, काम के दौरान, इन द कोल माइन, कोयले की खान में, आई हैपन टू ओवर हियर, मैंने संयोग से सुन लिया, टू माइनर्स, दो खानिकों को टॉकिंग, बात करते हुए, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों के लिए, अंग्रेजों में गोरे और काले होते हैं तो कालों को बोलते हैं कलर्ड पीपल, हिंदी वर्ड होता है उसका अश्वेत, फॉर कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों के लिए, समवेयर, कहीं पर, इन वर्जीनिया में। एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए मैंने संयोग से दो खानिकों को कहीं पर वर्जीनिया में एक महान स्कूल के बारे में, जो अश्वेत लोगों के लिए था, उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया। ऐज जैसे ही दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, वे वर्णन करते रहे द स्कूल का, जैसे ही वो स्कूल का वर्णन करते रहे, इट सीम्ड, ये लगता था टू मी, मुझे, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस, कि इसे सबसे महान स्थान होना चाहिए ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, नॉट इवन हेवन, स्वर्ग भी नहीं, प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, मोर अट्रैक्शन, अधिक आकर्षण, फॉर मी, मेरे लिए, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, देन अपेक्षा जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया ने किया। तो यहाँ क्या कह रहा राइटर कि स्वर्ग ने भी उतना ज़्यादा आकर्षण प्रस्तुत नहीं किया उस समय मेरे लिए जितना हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया ने किया। ये संस्था का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया कम्प्लीट, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, और वर्जीनिया में था इसलिए लिखा है इन वर्जीनिया। आई रिजोल्व, मैंने दृढ़ निश्चय किया, एट वंस, तुरंत, टू गो, जाने का, टू दैट स्कूल, उस स्कूल में, ऑल दो, हालांकि, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर इट वाज, यह कहाँ था, और या हाउ मैनी मील्स अवे, या कितनी मील दूर था, और या हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, या मैं इस तक कैसे जाऊँगा। आई हैड ओनली वन सिंगल एम्बिशन, मैं केवल एकमात्र अभिलाषा रखता था, एंड दैट वाज, और वह थी, टू गो टू हैम्पटन जाने की। दिस थॉट, यह विचार, वाज था विद मी, मेरे साथ, डे एंड नाइट, दिन रात, ये विचार मेरे साथ दिन रात था, यानी लेखक दिन रात इसके बारे में सोच रहा था। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ में, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गो जाने का, टू गेट देयर, टू ट्राई, कोशिश करने का, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू ट्राई, कोशिश करने का, टू गेट देयर, उसकी प्राप्ति का, यानी वहाँ जाने का। माय मदर, मेरी माँ वार थी ट्रबल्ड, परेशान, विद ए ग्रेव फियर, एक बड़े डर से, मेरी माँ एक बड़े डर से परेशान थी, क्या था उसका डर, दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट, कि मैं शुरू करने जा रहा था, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए विल्ड गूज चेज, एक निरर्थक कार्य, ये idiom हो गया बच्चों, wild goose chase, एक निरर्थक कार्य इसका मतलब होता है। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, आई गोट, मैंने प्राप्त कर ली, ओनली हाफ हर्टेड, केवल एक आधे दिल की कंसेंट, अनुमति, फ्रॉम हर, उससे, किसी भी कीमत पर, मैंने उससे आधे हृदय वाली अनुमति प्राप्त कर ली। आई हैड, में रखता था, वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा धन, विद विच, जिससे टू बाई खरीद सकूँ, क्लोथ्स, कपड़े एंड पे, और चुका सकूँ माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसिज, अपने यात्रा के खर्चों को। माई ब्रदर, मेरे भाई जॉन ने हेल्प, मदद की मी, मेरी, ऑल दैट, वह सब कुछ जो ही कुड, वह कर सकता था, बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट वॉज नॉट ए ग्रेट डील, वह पर्याप्त नहीं थी।
फाइनली द ग्रेट डे केम, आखिरकार वो महान दिन केम आ गया। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दिया फॉर हैम्पटन के लिए। आई हैड ए स्मॉल बैग, में एक छोटा बैग रखता था, दैट कंटेंट, जिसमें रखी हुई थी द फ्यू आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें और क्लोथिंग, कपड़ों की, यानी जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे, आई कुड गेट, जो मैं प्राप्त कर सका था। आगे देखो बच्चों, एटर क्या कहता है। माय मदर, मेरी माँ एट दैट टाइम, उस समय वाज थी रेदर वीक, अत्यधिक कमजोर एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और स्वास्थ्य में टूटी हुई, यानी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं मुश्किल से ही उम्मीद करता था टू सी देखने की हर उसको अगेन, फिर से मैं मुश्किल से ही उसे फिर से देखने की उम्मीद करता था, यानी तबीयत इतनी ख़राब थी। राइटर सोच रहा है पता नहीं अब ये जीवित रहेगी या नहीं मेरे वापस आने तक। एंड दस, और इस प्रकार से अवर पार्टिंग, हमारा बिछड़ना वार था, ऑल द मोर पेनफुल, और ज़्यादा दुखदाई। सी वाज हावेवर वेरी ब्रेव, हावेवर, हालांकि, सी मीन्स वह वाज थी वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर, हालांकि वह बहुत बहादुर बनी रही थ्रू इट ऑल, इस सब के दौरान। द डिस्टेंस, दूरी फ्रॉम द मालडेन टू हैम्पटन, मालडेन से हैम्पटन की इज है अबाउट लगभग 500 मील। बाई वॉकिंग, पैदल चलकर, बैगिंग राइडर्स, बैगिंग मांग कर के राइड सवारी, बोथ दोनों में, इन वैगन्स, देखो बच्चों, बाई वॉकिंग, पैदल चल के, बैगिंग मांग कर के राइड सवारी, बोथ इन वैगन्स, वैगन में, एंड इन कार्स, और कार में। आई वॉज एबल, मैं योग्य था टू रीच, पहुँचने में द सिटी ऑफ रिचमंड शहर, अबाउट लगभग 82 मील्स, लगभग जो 82 मील था फ्रॉम हैम्पटन से। वैन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और गंदा, यानी कपड़े गंदे हो गए थे। इट वॉज लेट, देरी हो गई थी, एट नाइट, रात में, यानी देर रात तक पहुंचा। व्हेन आई रीच रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, आई मीन्स मैं बाहर था, कम्प्लीटली पूरे तरीके से आउट ऑफ मनी, धन के बाहर, यानी लेखक कह रहा मेरे पास पूरे तरीके से धन खत्म हो गया था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस, आई हैड, में रखता था, नॉट मीन्स नहीं, ये मीन्स एक सिंगल एक्वेंटेंस, मीन्स जान पहचान का, इन द प्लेस, उस स्थान पर, मेरे पास उस स्थान पर कोई एकमात्र भी जान पहचान का नहीं था। एंड बींग अनयूज्ड, और अनजान होने की वजह से, टू द सिटी वेज, शहर के रास्तों से, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, एट सेवरल प्लेसेज, अनेक स्थानों पर, फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सब धन चाहते थे, एंड दैट वाज, और ये वो चीज़ थी जो, वाट वो, आई डिड नॉट हैव, जो मैं नहीं रखता था, नोविंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, ये जानकर के इस करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं होगा। आई वॉक्ड द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूमा, आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद तक मैं गलियों में घूमा। एट लास्ट, आखिर में, आई बिकेम, मैं हो गया सो एग्जॉस्टेड, इतना ज़्यादा थका हुआ, दैट आई कुड नॉट वॉक, कि मैं नहीं घूम सकता था, नो लॉन्गर, और अधिक। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, आई वॉज हंगरी, मैं भूखा था, आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। सून, जल्दी ही, आई रीच्ड, मैं पहुंच गया था, पोर्सन ओपे स्ट्रीट, गली के एक हिस्से में, वेयर, जहां पर द बोर्ड साइडवॉक, पगडंडी का जो, जहां पर ये बोर्ड है, बोर्ड साइडवॉक, साइडवॉक का बोर्ड वार था, क्वाइट रेज्ड, उभरा हुआ। आई वेटेड, मैंने प्रतीक्षा की, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक, टिल, जब तक आई वॉज श्योर, मैं श्योर नहीं हो गया, दैट नो पासस बाई, कि कोई भी गुजरने वाला नहीं कुर्सी मुझे देख सकता था,
देन फिर आई क्रैप्ट, मैं रेंगा अंडर द साइड वॉक, पगडंडी के नीचे अंडले और लेट गया फॉर द नाइट, रात भर के लिए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, विद माई सेचल ऑफ क्लोथिंग, विद साथ में माई सेचल, थैले के ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों के, अपने कपड़ों के थैले के साथ, फॉर ए पिलो, एक तकिए के लिए, एक तकिए के रूप में, यानी लेकर कहता है उसने कपड़ों के थैले को तकिया बनाया, और रात भर के लिए जमीन पर लेट गया उस पगडंडी के नीचे, नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर, मैं सुन सका था द ट्रैम्प आवाज ऑफ फीट पैरों की ओवर माई हेड, अपने सर के ऊपर, लगभग पूरी रात मैं अपने सर के ऊपर पैरों की आवाज सुन सका था, यानी पैरों की आवाज होती रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड, मैंने पाया माई सेल्फ, अपने आप को समवाट, कुछ रिफ्रेश, तरोताजा, अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया, बट लेकिन, आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, मैं अत्यधिक भूखा था, एज सून एज, जैसे ही, इट बिकेम लाइट इनअप, पर्याप्त रोशनी हो गई फॉर मी, मेरे लिए, टू सी, देखने के, जैसे ही देखने के लिए पर्याप्त रोशनी हो गई मेरे लिए, माई सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर, कि मैं पास में था, ए लार्ज शिप, एक बड़े जहाज के, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, टू बी अनलोडिंग, उतारा जा रहा एक कार्गो पिग आयरन, कच्चे लोहे का, ऐसा लगता था कि लोहे का एक कार्गो अनलोड किया जा रहा है। आई वेंट, में गया एडवांस तुरंत, टू द वेसल, जहाज के पास, एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कप्तान से कहा, टू लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने देने के लिए, अनलोड करने में द वेसल, जहाज को, इन ऑर्डर टू, जिससे कि गेट, प्राप्त कर सकूँ मनी, धन, फॉर फूड, भोजन के लिए, जिससे कि भोजन के लिए धन प्राप्त कर सकूँ। द कैप्टन, कप्तान, हु वाज काइंड हर्टेड, जो दयालु हृदय वाला था, वाइट मैन, सफ़ेद आदमी, यानी गोरा, कप्तान जो दयालु हृदय वाला वाइट मैन था, एट वंस, तुरंत, कंसेंटेड, उसने सहमति दे दी, आई वर्क, मैंने काम किया, लॉन्ग इनअप, लंबे समय तक, टू अर्न कमाने के लिए मनी धन, फॉर माय ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के लिए, एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लगता है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसे अब मैं इस बात को याद करता हूँ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, कि ये सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट रहा था, दैट आई हैव एवर ईटन, जिसे मैंने कभी खाया था, माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरे काम ने खुश कर दिया द कैप्टन, कप्तान को, सो वेल, इतना ज़्यादा, दैट ही टोल्ड मी, कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू कर सकता था वर्किंग काम, फॉर ए स्मॉल अमाउंट, एक छोटी धनराशि, पर डे, प्रतिदिन पर, दिस इस चीज से आई वॉज वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश था, टू डू, कार्य करके, आई वर्कड, मैंने काम किया ऑन द वेसल, जहाज पर, फॉर ए नंबर ऑफ डेज, अनेक दिनों तक, आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, बहुत अधिक नहीं बचता था टू पे चुकाने के लिए, माई वे टू हैम्पटन, हैम्पटन के रास्ते में जाने के, चुकाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता था, टू सेव मनी, धन बचाने के लिए, आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू स्लीप, सोना, अंडर द साइडवॉक, पगडंडी के नीचे, व्हेन आई सेव्ड इनफ मनी, जब मैंने पर्याप्त धन बचा लिया, आई थैंक्ड द कैप्टन, मैंने कप्तान से धन्यवाद कहा, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से शुरू कर दिया, व्हेन आई रीच्ड हैम्पटन, जब मैं हैम्पटन पहुंचा, आई हैड एग्जैक्टली 50 सेंट, मैं एग्जैक्टली 50 सेंट रखता था, विद जिससे टू बिगिन, शुरू कर सकूँ माई एजुकेशन, अपनी शिक्षा को, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-स्टोरी स्कूल बिल्डिंग, पहला दृश्य ऑफ द लार्ज विशाल 3-स्टोरी 3 मंजिली स्कूल की बिल्डिंग का, सीम टू हैव रिवार्डेड, लगता था टू हैव रिवार्डेड, कि पुरस्कृत किया गया था,
उसने मुझे पुरस्कार दे दिया था, मी मुझे, फॉर ऑल उस सब के लिए, दैट जो आई हैड अंडरगोन उस सब के लिए जिससे होकर के मैं गुजरा था, टू रीच देयर वहाँ पहुँचने के लिए, द साइट ऑफ इट इसका दृश्य सीम्ड लगता था टू गिव मी मुझे देते हुए न्यू लाइफ नया जीवन, इसका दृश्य मुझे नया जीवन देते हुए लगता था। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सका, आई प्रेजेंटेड मैंने प्रस्तुत किया माई सेल्फ अपने आप को बिफोर द हेड टीचर प्रधानाध्यापिका के सामने फॉर एडमिशन एडमिशन के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बिना सही खाने के इतने लंबे समय से बिना सही खाने के होने की वजह से, प्रॉपर फूड बिना प्रॉपर फूड के होने की वजह से इतने लंबे समय से ये बात, और बिना स्नान किए होने की वजह से, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग और कपड़ों के ना बदलने की वजह से, आई डिड नॉट मेक एनी गुड इम्प्रेशन, मैं एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं बना सका ऑफकोर्स वास्तव में अपॉन हर, उसके ऊपर, वास्तव में उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं बना सका। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देख सका, दैट देयर वर डाउट्स के संदेह थे इन हर माइंड, उसके दिमाग में, अबाउट टेकिंग मी मुझे लेने के बारे में, एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में, फॉर सम टाइम कुछ समय तक, शी डिड नॉट रिफ्यूज उसने मना नहीं किया टू एडमिट मी मुझे एडमिशन देने से, नॉर न ही डिड सी डिसाइड उसने डिसाइड किया इन माई फेवर मेरे पक्ष में। आई कॉन्टिन्यूड मैंने जारी रखा टू लिंगर टहलना अबाउट हर उसके चारों तरफ, ट्राइंग कोशिश कर रहा था टू इम्प्रेस हर उसे इम्प्रेस करने की इन ऑल द वेज हर तरीके से आई कुड जिससे मैं कर सकता था। शी वॉज एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, वह दूसरे विद्यार्थियों को एडमिशन दे रही थी, एंड दैट एडिड और जिस चीज़ ने बढ़ा दी ग्रेटली अत्यधिक टू माई डिस्कम्फर्ट मेरी बेचैनी को। आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों के बाद, देखो बच्चों फिर से यहाँ से, शी वॉज एडमिटिंग, वह एडमिशन दे रही थी अदर स्टूडेंट्स दूसरे विद्यार्थियों को, एंड दैट एडिड और जिस चीज़ ने ग्रेटली एडिड बढ़ा दी ग्रेटली अत्यधिक टू माई डिस्कम्फर्ट मेरी बेचैनी को। आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों के बाद, हैड पास्ट गुजर जाने के, कुछ घंटे गुजर जाने के पश्चात, द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका ने मुझसे कहा, दैट ज्वाइनिंग रिसाइटेशन रूम बराबर वाला गायन कक्ष जरूरत रखता है स्वीपिंग सफाई की, टेक द ब्रूम झाड़ू लो एंड स्वीप इट और से साफ करो। इट केम टू माई माइंड एट वंस, मेरे दिमाग में उस समय, एट वंस तुरंत तुरंत मेरे दिमाग में उस समय यह आया, दैट हियर कि यहाँ पर वाज था माई चांस मेरा मौका, नेवर कभी भी नहीं आई रिसीव, नेवर हैव आई रिसीव्ड, मैंने कभी भी नहीं प्राप्त किया एन ऑर्डर एक आदेश, विद मोर डिलाइट इससे ज़्यादा प्रसन्नता के साथ। आई स्वेप्ट द रूम, मैंने कमरे को साफ किया 3 टाइम्स 3 बार, देन फिर आई गोट ए डस्टिंग क्लॉथ, मैंने साफ कपड़े साफ करने वाला कपड़ा लिया, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स और इसे 4 बार साफ किया। ऑल द वुड वर्क जितना भी लकड़ी का वर्क था, अराउंड द वॉल्स दीवार के चारों तरफ, एवरी बेंच हर बेंच को साफ किया, टेबल को एंड डेस्क और डेस्क को, आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, मैं 4 बार गया विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपने साफ करने वाले कपड़े के साथ, यानी हर चीज़ को 4 बार साफ किया। बिसाइड्स इसके अलावा एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के हर हिस्से को, हर टुकड़े को, एवरी क्लोसेट, प्रत्येक क्लोसेट को एंड कॉर्नर और कोने को इन द रूम, कमरे में वार था थ्रोली अच्छे तरीके से क्लीन साफ कर दिया गया। आई हैड द फीलिंग
मैं महसूस कर रहा था दैट माई फ्यूचर, कि मेरा भविष्य डिपेंडेंट निर्भर करता था अपॉन इन क्लीनिंग द रूम दैट रूम, उस कमरे को साफ करने पर। व्हेन आई वाज थ्रो, जब मैं पूरा कर चुका है, रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने प्रधानाध्यापिका को रिपोर्ट किया। शिवाजी यंकी वुमैन, वह एक यंकी औरत थी, हु न्यू, जो जानती थी, जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि धूल के लिए कहाँ देखूँ। शी वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गई एंड इंस्पेक्टेड, और जांच पड़ताल की द फ्लोर फर्श की एंड क्लोसेट, और क्लोसेट की। देन फिर सी टुक हर हैंकरचीफ, फिर उसने अपना रुमाल लिया एंड रब्ड इट, और इसको रगड़ा ऑन द वुड वर्क, लकड़ी के काम पर, अबाउट द वॉल, दीवार के चारों तरफ, एंड ओवर द टेबल, और टेबल पर, एंड बेंचेज, और बेंचेज पर। वैन जब सी वॉज अनेबल, वह अयोग्य थी टू फाइंड पाने में वन बिट ऑफ डर्ट, धूल के एक कण को, ऑन फ्लोर फर्श पर, और ए पार्टिकल ऑफ डस्ट, या डस्ट के एक भी पार्टिकल को, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी भी फर्नीचर पर। जब वो किसी भी फर्नीचर पर या फर्श पर धूल के एक कण को पाने में अयोग्य थी, सी क्वाइटली रिमार्कड, उसने क्वाइटली कहा, चुपचाप, धीरे से कहा, आई गैस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन। मैं गैस करती हूँ तुम्हें, मैं सोचती हूँ तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश दिया जाए। अब देखिए बच्चों, कैसा लगा राइटर को ये सुन के, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा था। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल, मैं सबसे सुखी आत्माओं में से एक था, यानी सबसे सुखी लोगों में से एक था ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। द स्वीपिंग सफाई ऑफ दैट रूम, उस कमरे की, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरी कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव एवर पास्ड, आई हैव पास्ड, जो मैंने पास की, आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से मैंने अनेक परीक्षाओं को पास किया। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैंने अक्सर महसूस किया दैट दिस वॉज द बेस्ट वन, कि ये सबसे बेहतर वाली परीक्षा थी, आई एवर पास, जिसे मैंने पास किया था। राइटर का नाम है बच्चों ब्रूगर्टी वाशिंगटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।